लोक निर्माण विभाग, आईपीएच, राजकीय ये महाविद्यालय, किसी गुरुकुल के लिए छात्र संघ, अभिभावक, अध्यापक, माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार आपके द्वारा लोकार्पण हुआ है। आप 86,000 रुपए की लागत से निर्मित अरुण अरुण अगर आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र में चार योजनाओं का उद्घाटन हुआ है तो चार योजनाओं से ज्यादा पांच योजनाओं का शिलान्यास हम कर रहे हैं, जिसका बजट प्रावधान, जिसकी काम की शुरुआत अपनी सरकार के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। और उसमें पहला कार्यक्रम, जो पहली योजना जो हमारी नाबार्ड के अंतर्गत धरोक से नालटा संपर्क सड़क जो है वो 4,17,00,000 की लागत से, जिसका हमने आज शिलान्यास किया। और उसी प्रकार से बाघ से क्यालू संपर्क मार्ग, जिसको 5,40,00,000 की लागत से नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत किया है, उसको उसका काम शुरू कर रहे हैं हम। और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके नाबार्ड के ही अंतर्गत शालतू नेहरा से द्रोगड़ा प्राथमिक पाठशाला तक जो है संपर्क सड़क जो है वो 1,90,00,000 की लागत से, इसका भी आज हमने शिलान्यास किया। और उसके साथ में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बाघ से कांगरी घाटनाड़ा संपर्क मार्ग का जो है उसकी जो है मैटलिंग टायरिंग का काम वो 4,83,00,000 की लागत से वो शुरू हो रहा है, उसकी भी आज हमने शुरुआत करने की दृष्टि से जो है वो उसका शिलान्यास किया। आप सबको यहीं से बैठ करके कह रहे हैं कि मेरी ओर से आप सबको आज के इस विकास कार्य की नई गाथा, नई आपकी जो शुरुआत हुई है आपके विधानसभा क्षेत्र में, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है, बहुत बहुत बधाई दी है कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो हर संभव हमसे बन पाया है वो हमने करने की कोशिश की है। इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारी योजनाएं जो हमारी सरकार के दौरान शुरू हुई हैं, इस संकट के क्षण में भी हमने बहुत चीजों को लेकर के काम करने की कोशिश की है। जो जो भी मदद की जा सकती है वो मदद करने की कोशिशें हुई है। ये योजनाएं, विभिन्न योजनाएं जो बन करके तैयार थी उनको बहुत लंबे समय तक लंबित रखना उचित नहीं था, ऐसी सूरत में उनको समर्पित करना जरूरी था ताकि आपके जो काम की चीजें वहां पर हो सके। कॉलेज की बिल्डिंग बनी है तो वहां क्लासेस शुरू हो जाए आने वाले समय में, जब हमारा उस भवन का उपयोग हम कैसे कर सकें वो सारी चीज को लेकर के हम आगे बढ़ें। स्कूल के भवन बन करके तैयार हुए हैं, उन भवन को हम उपयोग में लाएं और उसके बाद वहां बच्चों को अच्छी शिक्षा की एक व्यवस्था मिल पाए, उस दृष्टि से वहां पर काम करें। तो